Welcome to Nagaland! स्वागत करना चाहूंगी आप सभी का ट्राइबल गर्ल में। तो जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं द लैंड ऑफ नागास। हम हैं नागालैंड में। भारत के इस सेवन सिस्टर्स के नाम से जानने वाले इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। तो हम पहुंच चुके हैं नागालैंड के किसामा हेरिटेज विलेज में। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, हम आए हैं यहाँ नागालैंड के सबसे प्रसिद्ध उत्सव में, जिसका नाम है हॉर्नबिल, जिससे आप सभी भलीभांति परिचित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में हर वर्ष वार्षिक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ये उत्सव 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, हम है किसामा हेरिटेज विलेज में। तो हर वर्ष हॉर्नबिल का ये जो उत्सव है किसामा हेरिटेज विलेज में ही मनाया जाता है। तो अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है किसामा हेरिटेज विलेज। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, ये विलेज जो है इस गांव को सिर्फ यहाँ के प्रशासन द्वारा हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए ही बनाया गया है, ताकि दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आ सके और जान सके नागालैंड की समृद्ध जनजातीय संस्कृति को। नागालैंड भारत की एक ऐसी जनजातीय राज्य में आता है, जिसकी जनजातीय संस्कृति भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और 1 दिसंबर नागालैंड का स्थापना दिवस भी है, तो इसलिए ये हॉर्नबिल फेस्टिवल हर वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल पक्षी को नागालैंड की सभ्यता के अनुसार बेहद ही पवित्र और शुभ, और साथ ही इसका वर्णन जो है यहाँ की लोक कथाओं में किया गया है। तो इस तरह नाम पड़ा है इस बेहद ही खूबसूरत फेस्टिवल का, जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। उत्सवों का उत्सव यानी फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख फेस्टिवल है। तो इस फेस्टिवल में सारा जनजातियाँ जो है नागालैंड की जगह जगह से यहाँ पर एक साथ जो है किसामा हेरिटेज विलेज में आई है। यहाँ पर नीचे थिएटर में जो है हर दिन पूरे 10 दिन जो है यहाँ पर अलग अलग जनजातियों द्वारा अपनी लोक संस्कृति की प्रस्तुति की जाती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल है हम सभी को बेहद ही सुनहरा मौका देती है, एक ऐसा मौका देती है जिसमें कि हम सभी पर्यटक जगह जगह से आए लोग यहाँ पर नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को जान सके और इसको करीब से महसूस कर सके। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए आप सभी को भी ले चलते हैं इस बेहद ही खूबसूरत हॉर्नबिल फेस्टिवल में। Of Uka is known as Kammai, made when victorious warriors return with enemy heads for trophies. The heads are placed above the long drum. यहाँ पर जो है मोरुंग बनाए गए हैं। मोरुंग
यानी कि जो नागालैंड के जो सांस्कृतिक जो घर होते हैं, प्राचीन जो घर होते हैं, उन्हें मुरुंग कहा जाता है। तो इस घर के अंदर जो है यहाँ पे नागालैंड की जो संस्कृति है, रहन सहन है, खान पान है, उसको प्रदर्शित किया गया है। तो अभी इस वक्त हम है सुमी ट्राइब के मुरुंग में। तो आप जैसे देख सकते हैं किस तरह का यहाँ अनाजों को सुखा के रखा है और जो भी यहाँ की सभ्यता है उसको हम जानेंगे। तो हमारे साथ है मैम, तो मैम तो मैम हमें एक्सप्लेन करेंगे कि जो चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। दिस इज अ फर्मेंटेड सोयाबीन, दिस इज यूज्ड टू कुक, दिस इज आवर डेली किसी इन आवर सुमी ट्राइब। वी यूज्ड टू कुक दिस विद पॉक, दैट इज अ पॉक ऑफ एज अ फर्मेंटेड पॉक, एंड दिस इज अ पॉक दैट ओल्डन डेज, दिस एज अ कंटेनर ऑफ सॉल्ट, एंड इन ओल्डन डेज वी यूज दिस, द ओल्डन पीपल दे यूज्ड टू कट दिस एंड वी यूज दिस एज अ मग to fetch water. This is millet, and you can see this. This is a tulsi seed. We use this in our curry. This is, we call this as a spring onion. It's a pork. We used to ferment this from the fire, and we used to cook with this akuni. In our sumi tribe, we used to call this as akuni. ये traditional cup है जो कि bamboo से बना है, तो इसमें चाय, rice beer सब कुछ पीते हैं। Traditional plate है। दिस इज वेरी बिग ट्रेडिशनल प्लेट, बहुत ही बड़ा है, तो इसको ऐसे रखे मतलब टेबल का भी काम आ जाता है, लाइक यू कैन कीप एंड यू कैन हैव फूड। अभी अगर हम बात करते हैं सभी जनजातियों की, तो इस तरह से जो है बीच में जो है कमरे के बीच में जो है फायर प्लेस जहाँ पर आप खाना पकाते हैं और साथ में सर्दियों में जो है आग सेकते हैं, तो ये जो है सब जगह की जनजातियों में सेम ही रहता है कि यहाँ पर जितने भी आइटम्स आप देखेंगे ऑर्गेनिक और सारे जितने भी बैम्बू शूट देखेंगे आप, जितने भी उससे बने हुए हैं, तो बेहद ही खूबसूरत ये मुरुंग है। मैं लोथा ट्राइब के मुरुंग के सामने और आप देख सकते हैं हमारे सामने सुंदर सुंदर लोथा ट्राइब। मैं लोथा ट्राइब नागालैंड। तो हम लोग भी नागालैंडी है, देखा हुआ है। मैं हिमाचल से, हिमाचल आप आए कभी? नहीं। सब हिमाचल वालों को हेलो बोल दो फिर। हेलो बाबा रे संगरे। तो इन्होंने कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है, तो इनसे जानते हैं ये फादर स्क्रीन। ओके, ये इनके पूर्वजों का ड्रिंक है, इसमें राइस भी है। तो इसको ऐसे खोलते हैं ना, देखो ना इस तरह से इसको ऐसे खोलते हैं। ये पहला से तो मोटा होगा, मोटा होगा, ये प्योर मोटा होगा। राइस भी है। सब्जी तो इसमें सब्जी है, देखिए कौन सी सब्जी है। ये मीट का है, एक सब एक फिश है। तो ये पोर्क है। टेस्ट करो, टेस्ट करो, हम पता चला टेस्ट करो। वाह, कैसा हो गया? बहुत टेस्टी है। फिलहाल हम है कोन्याक ट्राइब के पास। कोन्याक ट्राइब जो नागालैंड के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख जनजाति में से एक है, और इस जनजाति को मैं आपको बताना चाहूंगी हेड हंटर्स के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमारे साथ है मोन डिस्ट्रिक्ट के यानु गांव से आंग जी। आंग मैं बताना चाहूंगी, आंग जो है वहां के जो राजा को कहा जाता है। आप इनकी वेशभूषा और इनकी वेशभूषा देख सकते हैं किस तरह की वेशभूषा है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये आपने सर पे बहुत बड़ा ये कैप पहना है, उसके ऊपर मैं देख रही हूँ तीन हॉर्नबिल के जो पंख है, तो इनके एक ही हॉर्नबिल का पंख है, तो जो आंग होते हैं उनके तीन ऐसे इस तरह से रहते हैं। आंग ही पहन सकता है तीन। अच्छा, तो सिर्फ आंग जो होते हैं वहाँ के वही जो है तीन पंख जो है हॉर्न बिल के वो अपने टोपी पे लगा सकते हैं। ये टोपी में जो दांत है ये जंगली सुअर के यानी कि वाइल्ड पिक के लगे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दांत है ये भी शेर के दांत है। ये जो आभूषण आप देख सकते हैं, ये जो
ब्लू वाला जो आभूषण है जिसे क्या कहते हैं सर आपके बोल में, ये वाला लिक्वी कहा जाता है, तो ये भी सिर्फ जो है आंग द्वारा ही पहना जाता है, तो इसे जो है मूचंग कहा जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया जो कोन्याक ट्राइब है हेड हंटर्स के नाम से जाना जाता था, तो ये जो बाल लगे हैं ऐसा बताया गया मुझे कि इनके पिताश्री भी जो है हेड हंटिंग करते थे। तो ये जो है जो एक जो ये आप बाल दिख रहे हैं तो ये एक दुश्मन का है, तो आप देख सकते हैं कि कितने दुश्मनों की जो है इनके पूर्वजों द्वारा जो है हेड हंटिंग की गई है। कोन्याक ट्राइब की एक और खासियत मैं आप सभी को साथ साझा करना चाहूँगी कि कोन्याक ट्राइब है पुराने ज़माने में काफ़ी, आपको जैसा पता है कि नागालैंड में काफ़ी ज़्यादा आक्रमण हुआ करते थे, तो दुश्मनों से लड़ने के लिए जो है इन्होंने जो है ये जो गन आप जो देख सकते हैं ये जो बंदूक है ये खुद जो है बनाना शुरू कर दिया। गन पाउडर होता है वो भी इनके द्वारा ही बनाया जाता था। तो इस तरह से जो ये अपने आप को जो है सुरक्षित रखते थे दुश्मनों से, और ये 1960s तक जो है कोन्याक ट्राइब जो है हेड हंटिंग और ये गन से जो है दुश्मनों से जो सामना करते थे। जैसे कि आप सभी परिचित है कि 1960s के बाद जो है क्रिश्चियनिज्म जो है यहाँ पर जो है आने लग गया, और उसके बाद जितने भी यहाँ पे जनजाति है नागालैंड भी जो है शांति के साथ जो है रहने लगे। तो उसके बाद 1960s के बाद जो है हेड हंटिंग जो है वो भी जो है बंद की गई यहाँ पर। तो जब हेड हंटिंग करते थे उसके बाद जब ये गन लौटते थे तो ये जो है दुश्मन का हेड लेके आते थे, तो ये जो है एक तरह से जो है एक उपलब्धि के तौर पे जो है अपने चेहरे पे जो है टैटू बनाते थे। तो अभी तो इन्होंने ये व्हाइट कलर का टैटू बनाया, तो वैसे जो है ओरिजिनली जो है जो ब्लैक कलर से जो काले रंग से जो है वो टैटू बनाया जाता था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं एम्फी थिएटर में, और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो है जितने भी नागालैंड के जनजाति है वो जो है यहाँ पर प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेडियम बने हुए हैं, ये जो स्टेडियम है ये जो है जनजातियों और साथ में जो है दर्शकों के लिए बनाए गए हैं। शाम के समय जो है कॉन्सर्ट होते हैं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी यहाँ पे 40 बैंड और 800 पार्टिसिपेंट्स जो है यहाँ पर प्रस्तुति देने वाले हैं इस हॉर्नबिल फेस्टिवल में। तो सर सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और स्वागत करना चाहूँगी हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी नमस्कार। थैंक यू सर। बलिभांति आप सभी परिचित है कि यहाँ नागालैंड में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि कहा जाता है फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स, बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है। तो सर हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है सर कब से शुरू हुआ, और इसके बारे में थोड़ी आप जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे सर। नागालैंड प्रदेश का ही नहीं है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जनजातियों के लिए सबसे लंबा और सबसे बड़ा एक उत्सव हम लोग मानते हैं। नागालैंड प्रदेश में यहाँ कोहिमा में किसमा जिस इलाका में हम लोग बैठे हुए हैं ये एक गांव के नाम है, यहाँ 24 साल पहले हमारा आज का जो मुख्यमंत्री है श्री नेफ्यूडियो जी, उनकी संकल्प और दूरदृष्टिता से ये हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू हुआ। आज के दिन में लाखों का पर्यटक आते हैं देश से हो विदेश से, और यहाँ हमारे प्रदेश में 17 जनजातियाँ हैं, हर एक जनजाति का अपना रीति रिवाज अपना संस्कृति को लेके यहाँ एकत्रित होता है, और यहाँ की नया उमंग का जो नया युवा है उसका भी जो नया कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशंस उसको भी दर्शाते हैं। उसी तरह नहीं, जितने भी लोग अलग अलग कार्यक्रमों को पेश करना चाहते हैं, जो ट्रेडिशनल गेम्स हो, खान पान हो, व्यंजने हो, उन सब चीज़ों को इस 10 दिन में सब लोगों के सामने ये खुल जाते हैं। तो आप भी हमारे ख्याल से मज़े उठा रहे होगा यहाँ। हाँ जी सर।
मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की नागालैंड की संस्कृति को जानकर। तो सर आपका एक संदेश मैं चाहूँगी हमारे जितने भी जनजातीय दर्शक जो अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो एक जनजातियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? जनजाति होना गर्व महसूस करना चाहिए। आज के दिन में एक जनजाति औरत श्रीमती मुर्मू जी अपना राष्ट्रपति है, इससे बड़ा गर्व का बात क्या हो सकता है। तो हम जनजातियों को गर्व महसूस करना चाहिए, अपना संस्कृति अपने विचारधारा सोच विचारों को हम लोग संभाल के इस देश की बढ़ोतरी में हम लोग एकत्रित होकर आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग गाँव के हैं, पहाड़ों के हैं, या जंगलों के हैं, या रेगिस्तान के हैं, तो हम लोग अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में हम सबों को स्थान मिला है और उस स्थान को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का संकल्प रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संस्कृति ही हमारी पहचान है और जनजाति होने पर हम सभी को गर्व महसूस होता है। तो धन्यवाद करना चाहूँगी सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहुँच चुके हैं चाकिसंग ट्राइब के मुरुंग के सामने। तो किसामा हॉर्नबिल फेस्टिवल है यहाँ पर, मैंने नोटिस किया यहाँ पर जो मोस्टली मुरुंग है उनके छत के ऊपर एक इस तरह से जो एक निशान बना हुआ है, तो सर से मैं जानना चाहूँगी ये जो निशान है कैसा होता है? व्हाट डज दिस sign on the roof, what does it mean sir? This is called TKS in our dialect. Okay. And it is entitled only to a couple who offer a feast of merit. One feast being offered to the whole village. अच्छा, what does it call in your language? Kike. तो सर ने बताया कि इसे Kike कहा जाता है इनकी भाषा में। और ये जो Kike नामक जो निशान है ये वही लगा सकते हैं जो पूरे गांव को पूरी बस्ती को जो है खाना खिलाएंगे अपनी शादी के दौरान। और Kike का आपने मतलब बताया था, what is the meaning of ki and ke? You said something. Ki stands for house. Okay. And K stands for horn. तो ये जो है चकिसंग जो ट्राइब है इस मुरुंग में ये दर्शाया गया है कि किस तरह से जो है हम पुराने समय में जो है राइस को जो है इस तरह से घुमा के जो है इसको आप देख सकते हैं, ये जो इसका जो छिलका है ये अनाज से अलग हो रहा है और बाद में इसको इस तरीके से जो है छान के जो है हम अलग करते हैं, तो वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रेगहॉर्न के ट्राइब के पास और आप देख सकते हैं इनकी जो वेशभूषा है वो भी बेहद खूबसूरत है और ये जो हेड गियर है ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो जानते हैं कि इनकी थोड़ा बहुत इनकी वेशभूषा के बारे में, तो सर आप थोड़ा बताएंगे किस तरह की आपकी वेशभूषा रहती है और थोड़ा बहुत अपने जनजाति के बारे में? हम लोग जिलेम ट्राइब का है, रहता है हम लोग। ये हेड गियर्स को रख दी बोलता है, रख दी बोलता है इसको। और ये सोल को पाई में बोलता है, सोल को पाई में बोलता है इस सोल को। एंड दिस इज 11 ट्रंक, दिस इज कॉल्ड 11 ट्रंक। बियर का चमड़ा से बनता है, ये प्रोटेक्शन के लिए बनता है, वॉर के लिए, पहले ज़माने का वॉर के लिए प्रोटेक्शन के लिए। ये स्पीयर है, फाइटिंग के लिए बनता है, लेके जाता है जंगल में जाके, ये सिल की प्रोटेक्शन के लिए, अपना बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए ये सिल भी बनता है और ले जाता है हम लोग ये। हेलो, so we have the prettiest lady over here, she is from Ziliang tribe, so can you say hello then? Hi. करते हैं यहाँ पर
अगर हम हॉर्नबिल फेस्टिवल में आए हैं तो यहाँ पर रहने के क्या विकल्प है, क्या ऑप्शंस है? तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बहुत सारे आपको होम स्टेज मिलेंगे और साथ में काफ़ी सारे कैंप साइट भी है। तो उसी तरह मैं भी एक कैंप साइट में आई हूँ जिसका नाम है जे ड्रीम नेस्ट कैंप साइट, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही इस कैंप साइट की एक बेहद ही खास बात यह है कि ये जो हॉर्नबिल वेन्यू है वहाँ से सिर्फ लगभग 5 मिनट की दूरी पे है, तो आप जब चाहे वहाँ जा सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं। तो बहुत ही कन्वीनियंट एक ये कैंप साइट है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो कैंप साइट है ये टूर्स कार्ट नामक कंपनी द्वारा चलाया गया है। ये जो टूर्स कार्ट नामक कंपनी है ये इंडिया में नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और साथ ही साथ भूटान के ट्रिप्स भी कराते हैं। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। चारी ट्राइब के मुरुम के स्टॉल के पास यहाँ पे फूड आइटम्स हैं, यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं। तो बहुत ही यहाँ पर एक्सॉटिक फूड यहाँ पे आइटम्स देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने मैंने दिखाया यहाँ पे सिल्क फॉर्म है, तो सर से हम जानते हैं कि तो किस तरह से ये जो सिल्क फॉर्म है आप लोग कैसे बनाते हैं इसको, कैसे कुक किया है? हाँ जी हाँ जी, किसको ऐसे ये जो आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी सा लग रहा है, मसाले से भरा हुआ, इसको आप कैसे बनाते हैं? इसको बॉईल करें, बॉईल करके उसके बाद हम लोग इसको फ्राई करें, डीप फ्राई करें। अच्छा, उसके बाद थोड़ा मसाला आएगा, उसके बाद मैरिनेट करेगा और इसके बाद सर्व करेगा। अच्छा, तो इसमें मसाले डाले हैं? हाँ हाँ। तो कैसे टेस्ट होता है इसका? टेस्ट थोड़ा क्रिस्पी, थोड़ा स्पाइसी। अच्छा, तो अभी मैं तो फिलहाल ट्राई नहीं करूँगी। चिली है, इसे किंग चिली कहा जाता है यहाँ नागालैंड में, जो कि बहुत ही स्पाइसी होता है। तो यहाँ नागा में जितने भी फूड आइटम्स होते हैं मोस्टली उनमें चिली यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा चिली पसंद करते हैं। और साथ में राइस बियर, राइस बियर नागालैंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम हॉर्नबिल फेस्टिवल में आए तो यहाँ का राइस बियर ज़रूर ट्राई करिए।